Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 6 and we will be discussing about domain 3, which is legal issues, contracts and electronic discovery. We will be discussing about different data privacy laws globally in this lecture. सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन. डेटा प्राइवेसी का जो डेफिनेशन है वो, और डेटा प्राइवेसी के डेफिनेशन के मुताबिक डेटा प्राइवेसी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर जो कुछ कंट्रोल रखने का आपका हक है उसी को डेटा प्राइवेसी कहते हैं. डेटा प्राइवेसी लॉज में ये मेंशन होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से स्टोर किया जाएगा और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के क्या जाब्ते होंगे. कुछ पॉपुलर अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी लॉ की तो है GDPR, CCPA, PIPEDA है. GDPR है आपका यूरोपियन यूनियन के लिए. अब हम देखेंगे कुछ पॉपुलर डेटा प्राइवेसी लॉज अक्रॉस द ग्लोब. ये इन्फॉर्मेशन आपको सीसीएसके के सिलेबस में नहीं मिलेगी, ये मेरा खुद का कलेक्शन है, मेरी हॉबी है. अक्रॉस द ग्लोब जो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज पब्लिश हो रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना. सो ये मेरे रिकॉर्ड का ही एक पार्ट है. आप देखेंगे GDPR है यूरोपियन यूनियन के लिए, CCPA कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, US का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका खुद का प्राइवेसी एक्ट है. PIPEDA है कनाडा के लिए, LGPD है ब्राज़ील, PIPL चाइना, POPI प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्ट साउथ अफ्रीका, APPI एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन जापान, और फिर आप देखेंगे PIPA है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2011 साउथ कोरिया का, फिर आप देखेंगे APA ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल. अब आप देखिए इसमें दो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, एक है PIPL पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ चाइना का और दूसरा है APA ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल. ये दोनों प्रिंसिपल CCSK के सिलेबस में मेंशन नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली ही पब्लिश हुए हैं. जो कुछ प्राइवेसी लॉज हैं CCSK की बुक में जिसमें कुछ ख़ास कंट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया है, उनकी प्राइवेसी लॉ का जिक्र किया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहला उसमें है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का एक्ट ऑफ 1988 प्राइवेसी एक्ट 1988 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया था और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर जिनका रेवेन्यू 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़्यादा हो पर लागू होता है. उसके अलावा कुछ स्मॉल बिजनेस और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर भी लागू होता है. ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ इज फॉर बेसिकली प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स. तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो है कंज्यूमर ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ है, ये दोनों लॉ आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर अप्लीकेबल है क्योंकि क्लाउड, जैसे हम जानते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा है क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, या आप ये कह सकते हैं क्लाउड कस्टमर. सो बेसिकली कस्टमर का जो राइट्स है क्लाउड सर्विसेज को लेकर उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा चाइना है, चाइना ने काफ़ी तरक्की की है स्पेशली लॉ के मामले में और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया बेसिकली. आप ये कहिए इनका जो लॉ है 2017 साइबर सिक्योरिटी लॉ, ये इतना स्ट्रिंजेंट है कि इट रिक्वायर्स नेटवर्क ऑपरेटर टू कंप्लाई विद ए सीरीज ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग डिज़ाइन एंड अडॉप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स. 2017 में ही चाइना ने एक रेगुलेशन ड्राफ्ट किया था क्रॉस बॉर्डर पर, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र पर. क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से. उसकी वजह यह है कि
बहुत सारी कंट्रीज जो है वो प्रोहिबिट करती हैं, आपको मना करती हैं, रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि नहीं आप जो है इंफॉर्मेशन को क्रॉस बॉर्डर नहीं भेज सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि प्राइवेसी लॉज को उतना सीरियसली नहीं लिया था कंट्रीज ने, किसी कंट्रीज में था किसी कंट्रीज में नहीं था, तो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो ये मैक्सिमम आप जब देखेंगे स्टार्टिंग में बहुत सारे प्राइवेसी लॉज जो बने उसमें ये मेंशन था कि नहीं मतलब क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देखा कि कंट्रीज मच्योर हो रही हैं, उन्होंने एक अच्छा रोबस्ट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है डाटा प्राइवेसी को लेकर, तो फिर आप देखेंगे बहुत सारे जो पुराने लॉज हैं उन्होंने अमेंडमेंट किया है, और अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड किया है कि अगर यू डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कंसेंट, और प्रोहिबिशन भी ये को भी लिमिट कर दिया है कि आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सम लिमिटेशंस, और उसमें लिमिटेशंस में ये है कि सामने वाली कंट्रीज में जिस कंट्री में आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस कंट्रीज़ के पास एक अच्छा लॉ ऐसा लॉ होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि उनका डेटा प्रोटेक्टेड है, मतलब डेटा प्रोटेक्शन की गारंटी दे। ऐसा कोई लॉ अगर सामने वाली कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है तो फिर अलाउड हो जाता है। उसके अलावा है जापान, जापान का पास भी दो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, और ये उसके अलावा ये है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, द एक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ नर्सेज मिडवाइफ्स एंड नर्सेज, एंड देन पार्लियामेंट फार्मासिस्ट एक्ट। तो प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर PI, और ये जो है ये हेल्थ केयर का है जहाँ पर आपको PHI बेसिकली पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लॉज है। उसके अलावा रशिया भी काफ़ी सख्त है, काफ़ी सीरियस है प्राइवेसी को लेकर, इसलिए आई थिंक ये 2006 में या 7 में इन्होंने रशिया ने फेडरल लॉ एक लॉ बनाया था, रशियन फेडरल लॉ ऑन पर्सनल डेटा, और उस वक्त जो है बहुत सारे इन्होंने उसमें पॉइंट्स डाले, उसमें बहुत सारे लॉज बहुत सारे बेसिकली क्या बोलते हैं उसको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। 2015 में एक और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने ऐड किया है, और वो है कि रशिया का जो सिटीजन है उनका डेटा रशिया में ही स्टोर होना चाहिए, कैनॉट स्टोर आउटसाइड रशिया, बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन का मामला है। चाइना का जो लॉ है वो भी यही कहता है डेटा लोकलाइजेशन। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का GDPR, द मोस्ट पॉपुलर। GDPR जो है बेसिकली कोई भी कंपनी जो यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोसेस करेंगी बेसिकली, और ये आप कहते हैं यूरोपियन यूनियन के सिटीजन का डेटा प्रोसेस करेंगी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा, उन पे ये लागू हो जाता है। कुछ सिग्निफिकेंट जो फीचर्स है इसके GDPR के, उनमें एक है डेटा सब्जेक्ट का कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेटा सब्जेक्ट यानी जैसे मेरा डेटा या आपका डेटा जो ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं और आप जो है डेटा सब्जेक्ट हुए, तो डेटा सब्जेक्ट को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एक्सेस, राइट टू रेस्ट आई मीन क्या बोलते हैं उसको रिव्यू फॉरगॉटन, आप चाहें तो अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं, आप चाहें तो अपना डेटा जिसको भी आपने अपना डेटा दिया है उससे आप कह सकते हैं नो आई डोंट नीड एनी सच प्रोसेसिंग ऑन माय डेटा, मेरा डेटा जो है आप इस्तेमाल नहीं करें, आप उसको डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट का रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो उस कंपनी पर इस बात की मजबूरी होती है कि वो आपका डाटा डिलीट करें। अगर आपका डेटा अपडेटेड नहीं है तो आपको अपना डेटा एक्सेस करने का हक है, उसको अपडेट कर रखने का हक है आपको, ये सारे हक आपको GDPR देता है। उसके अलावा GDPR का कहना है कि अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो 72 आवर्स के अंदर में आपको इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज़ को, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते GDPR से तो फिर हेवी पेनल्टी है, 20 मिलियन यूरो से लेकर
4% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी पेनल्टी है। जीडीपीआर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज पे है लागू, लेकिन हर कंट्रीज ने उनको कुछ कुछ हद तक कस्टमाइज भी कर रखा है। जैसे आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी कहता है कि कंपनीज को डीपीओ असाइन करना पड़ेगा, यानी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर असाइन करना होगा या हायर करना होगा अगर उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 9 एम्प्लॉय से ज्यादा है। अगर 9 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो उनको डीपीओ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये है जीडीपीआर। उसके अलावा एनआईएस का डायरेक्टिव है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डायरेक्टिव, जिसका काम है कि नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी इन्फोसेक का से जो रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज है जैसे ई कॉमर्स, सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनका गवर्नेंस। उसके अलावा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे, ये सारी कंट्रीज ने भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज पास कर दिए हैं और इनके भी जो कानून है वो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं जो हमने अब तक डिस्कस किया है दूसरी कंट्रीज के। वही राइट टू द डेटा सब्जेक्ट, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, उसके अलावा सिक्योरिटी ब्रीच नोटिफिकेशन, ये सब जो है पार्ट है प्राइवेसी लॉज के। ऑलमोस्ट जितने भी डेटा प्राइवेसी लॉज हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सब के। अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट, ये सबसे आखिरी है जो उसमें मेंशन है इस बुक में। और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लॉज हैं, उसके खुद के बहुत सारे फेडरल लॉज हैं। अब आप देखेंगे ये जीएलबी है, ग्राम लीज बिलेलिया एक्ट, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक्ट है, यानी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस के पास जो कस्टमर का डेटा होता है उसके प्रोसेसिंग पर भी एक एक्ट बना हुआ है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है 1988, कोपा जिसको कहते हैं। उसके अलावा रिसेंटली अभी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट इन्होंने पब्लिश किया है। उसके अलावा आप देखेंगे इनके फाइनेंशियल रेगुलेशन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इनका एक और है, सार्बनेस ऑक्सले एक्ट, सॉक्स, ठीक है। तो इनके अलावा बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत सारे लॉज हैं, उनके फेडरल लॉज हैं, उसके अलावा हिपा, हाई ट्रस्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं, लॉज हैं। तो इतना ही इस सेशन के लिए, इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और आपसे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक्स जो लेक्चर 3 के बचे हुए हैं। टिल देन थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।